इंदौर में 3 दिवसीय कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का बुधवार को समापन हो गया। इस बैठक में कृषि क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। अंतिम दिन 4 अलग-अलग सत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण, टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु आधारित दृष्टिकोण, समावेशी कृषि के लिए वैल्यू चेन और खाद्य प्रणाली के अलावा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। दिस इशू केम अप, क्लाइमेट फाइनेंस वाज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वी हैड डिस्कस्ड एंड द मेंबर्स फेल्ट दैट देयर वाज अ नीड फॉर हैविंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंक्रीजिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग टू फार्मर्स फॉर अडैप्टेशन मेजर्स एंड सेकेंड इज if farmers are working in a manner which is climate friendly or doing green agriculture, can we incentivize them? One of the ways of doing it is carbon credits. So that was discussed and countries shared their experience. Some of the countries are investing very strongly, they have budget provisions for this, that was discussed. बैठक में भाग लेने पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो सभी मुद्दे विकसित और विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खाद्य सुरक्षा पोषण के साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर देना ही होगा। इस बैठक में 3 दिनों तक मेहमानों को एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन भी परोसे गए। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स घोषित किया गया है। G20 की ये बैठकें होटल इंडस्ट्री के लिए भी एक नया अनुभव साबित हो रही है। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक इंदौर में हुई और जो मेहमान G20 देशों से यहाँ पहुंचे थे उनको इंदौर का जायका और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मिलिट ईयर जिस तरीके से घोषित किया गया है साल 2023 को, उस पर आधारित कई ऐसे पकवान चखाए गए, कई ऐसे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन जो थे वो उनके सामने परोसे गए जिनका आनंद उन्होंने लिया। उधर लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह DEWG की पहली बैठक सम्पन्न हुई। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने बताया कि डिजिटलाइजेशन से लोगों को बड़ा लाभ मिला है, चाहे उद्योग हो या कृषि क्षेत्र अथवा स्वास्थ्य। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत में डेटाबेस से लोगों को फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल विकास जैसे प्राथमिकता वाले मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। हम लोगों को एग्रीकल्चर में उससे कैसे फ़ायदा होगा, हेल्थ में कैसे फ़ायदा होगा, बाकी जो सेक्टर्स हैं उन सब में फ़ायदा हमको होना चाहिए और उस पर भी बाकी लोगों ने भी उनके देशों के भी अनुभव हमने आपस में साझा किए। जो हमारे मल्टीलेटरल पार्टनर्स थे UNDP, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक एंड OECD वाले, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए कि भाई कैसे होता है और कैसे हम लोग इनको एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। DEWG बैठक में ज्ञान साझेदारों और अतिथि देशों की ओर से व्यवहारिक प्रस्तुतियां दी गईं और कई विषयों पर स्पष्टीकरण दिए गए। प्रतिनिधियों ने तुर्की में भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, DD News।